हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक नंबर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करते समय क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में बदलेंगे। आइए देखते हैं नंबर। नंबर हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। नंबर नंबर क्या होता है? इफ अ नाउन tells about one or more than one is called number. If a noun tells about one or more than one is called number. क्या कह रहा है कि number क्या है? किसी भी नाउन के एक या एक से अधिक होने का जो बोध हो वो कहलाता है नंबर। जैसे कह दिया जाए अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ टेबल। और यहाँ सबसे हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ हमको ओनली वन का पता चल रहा है। और बात करें अगर इसी में हम बॉयस, गर्ल्स, बुक्स, टेबल्स, तो यहाँ देखिए हमको क्या हो रहा है, मोर देन वन की बात हो रही है। मोर देन वन, ये वन से ज़्यादा है। तो ये अगर ये की बात करें या एक से ज़्यादा की बात करें तो क्या कहलाता है? नंबर। अब बात आती है काइंड्स ऑफ नंबर की। काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर दो होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करें तो क्या है? पहला सिंगुलर, इफ अ नाउन डिनोट्स ओनली वन is called singular number. singular number क्या है? if a noun denotes only one सिर्फ एक की बात करे, किसी noun से उसके अकेले के होने का बोध हो तो कौन सा number में आएगी? वो singular number। जैसे ये है वो सब singular number के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं प्लूरल की, तो प्लूरल number क्या होगा? If a noun denotes more than one is called plural number. अगर किसी noun के एक से अधिक more than one की एक से अधिक के होने का बोध हो तो plural number के अंतर्गत आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे बदलें। कोई भी नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो प्लूरल में कैसे उसको चेंज करें, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में क्या रूल्स होते हैं, क्या बदलने के उसके नियम होते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इंटू प्लूरल नाउन है ना। तो जो पहला रूल कहता है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सामान्यतया नाउन के अंत में यस लगाकर, सामान्यतया नाउन के अंत में यस लगाकर सामान्यतया नाउन के अंत में
यस लगाकर। प्यूलर बनाते हैं। अगर हमारी नाउन सिंगुलर है तो उसको प्यूलर बनाने के लिए सामान्यतः उसमें यस लगा देते हैं। जैसे बुक है, बुक में हम क्या किया, हमने यस लगा दिया। ये बुक से बुक, एक पुस्तक, बुक्स बहुत ढेर सारी, पेन हो गया, पेंस हो गया, है ना। इसी तरीके से कोई भी नाउन ले लीजिए, वो बैग है, बैग्स। इस तरह से आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बदलने का नियम। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी कॉमन नाउन के अंत में एस, डबल एच, एस एच, सी एच, इसका जो उच्चारण होगा वो च होगा, एक्स और जेड, आए तो ई एस जोड़कर प्यूलर बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि कोई कॉमन नाउन है, कोई नाउन है सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसकी एंडिंग एस, एस एस, एस एच, सी एच, इसका उच्चारण जो होगा च होगा, एक्स और जेड आए तो आप क्या करेंगे, ई एस जोड़कर प्यूलर बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए गैस, यस है तो गैस का गैस, डबल एस है ग्लास, क्या हो जाएगा ग्लासेस। इसी तरीके से क्लास हो गया क्लासेस, ब्रश है ब्रश, ब्रशेस, सी एच है सी एच। जैसे कह दिया जाए वॉच, घड़ी, वॉचेस। इसी तरीके से एक्स है तो टैक्स, टैक्सेस, एस लग जाएगा, टोपाज, टोपाजेस। इस तरह से अगर किसी कॉमन नाउन की एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जिसका उच्चारण च हो, जैसे हमने यहाँ वॉच, वॉच आया है तो यहाँ हम ई एस लगा देंगे, एक्स आया है एंडिंग में, जेड आया है तो ई एस लगा करके उसको हम क्या करेंगे, प्यूलर नाउन में बदलेंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा है यदि किसी कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले, अरे यार और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो क्या करेंगे। अगर हमारा वाई है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा दें, वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्यूलर बनाते हैं। कह रहा है अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उसकी एंडिंग वाई से हो तो वाई क्या करेंगे, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हम वाई को हटाकर उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं लेडी, अब देखिए वाई आया है और वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा एल ए डी, वाई हट जाएगा उसकी जगह लग जाएगा।
लेडीज हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा सिटी सिटीज, वाई हट जाएगा आई एस हो जाएगा, फ्लाई मक्खी फ्लाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आप बेबी हो गया बेबी बेबीज। तो इस तरह से अगर वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर आई एस यूज करेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए, अगर अगले रूल की बात करें फोर की, तो अगर किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय वॉवेल आ जाए, वॉवेल आए, तो क्या करेंगे हम उसमें यस जोड़कर, यस जोड़कर आए तो यस जोड़कर प्यूलर बनाते हैं। यस जोड़ देंगे, जैसे जैसे कह दीजिए की, अब देखिए वाई है, वाई से पहले ई आया है, वावेल है, तो क्या हो जाएगा कीज। इसी तरीके से प्ले, प्ले मीन्स नाटक, तो क्या हो जाएगा प्लेज हो जाएगा। जैसे हो जाएगा पे, पेज हो जाएगा, रे रेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे। बाकी रूल्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें लगभग 4-5 वीडियो बनेंगे नंबर से नंबर में कुल मिलाकर के सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के कुछ नियम क्या हैं। तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 नियम देखा। पहला तो जनरली हम यस लगा करके बना देते हैं, दूसरा और तीसरा चौथा ये हो गया। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, लगातार बने रहिए।